नमस्कार दोस्तों, मशीनरी ज्ञान यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11 एचपी से लेकर के 70 एचपी तक टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव सभी स्वराज ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में, जिससे सभी राज्यों के किसान भाइयों को एक अंदाजा मिल सके कि किस ट्रैक्टर की कीमत कितनी है। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में कीमत अलग अलग रहता है, इसलिए हम एक ऐसा कीमत बताएंगे जिससे आपको किस ट्रैक्टर की कीमत कितना है एक अंदाजा मिल सके। वीडियो में हम ट्रैक्टर की मेन फीचर्स कीमत के साथ बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जॉन डियर और महिंद्रा ट्रैक्टर के सभी के प्राइस बताया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्वराज का कोड। ये एक छोटा ट्रैक्टर है, वन सिलेंडर का 11 एचपी होंडा इंजन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि 389 सीसी का पेट्रोल इंजन इसमें लगा हुआ है। गियरबॉक्स इसमें 6 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का मिल जाता है। टायर साइज पिछला टायर इसमें 616 का मिल जाता है। ट्रैक विड्थ की बात करें तो 3 फीट का इसमें मिल जाता है। रोटरी भी इसमें आप 3 फीट का चला सकते हैं। माइलेज की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर का ये पेट्रोल लेता है एक घंटे में। प्राइस की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से 2,80,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है स्वराज का एक और मिनी ट्रैक्टर, स्वराज 717ES। 15 एचपी वन सिलेंडर का इसमें इंजन आता है। मैक्सिमम टॉर्क ये 46 न्यूटन मीटर जनरेट कर देता है। गियरबॉक्स इसमें 6 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का मिल जाता है। टायर साइज 8/18 का पिछला टायर मिल जाता है। ट्रैक विड्थ इसका 3.5 फीट का है। माइलेज की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लीटर का एक घंटे में ये डीजल लेता है। प्राइस इसका लगभग 3,40,000 से 3,50,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 25 एचपी का एक मिनी ट्रैक्टर, स्वराज 625 टारगेट। इसमें आपको 3 सिलेंडर का 1331 सीसी वाला इंजन देखने को मिल जाता है, जो 84 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। इसमें आपको गियरबॉक्स 9 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का मिल जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस सिंक्रोनाइज टाइप का गियरबॉक्स मिल जाता है। पीटीओ पावर इसमें 19.3 एचपी का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसका 180/85 का है। रियर टायर 8/3/20 का मिल जाता है। ट्रैक विड्थ इसका 28 से 36 इंच का है। 6 साल की वारंटी इसमें मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 5,20,000 से 5,60,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 29 एचपी कैटेगरी में एक और मिनी ट्रैक्टर, स्वराज 630 टारगेट। इसमें आपको 3 सिलेंडर का 1331 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 87 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें भी गियरबॉक्स आपको 9 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का सिंक्रोनाइज्ड गियरबॉक्स मिल जाता है। पीटीओ पावर इसमें 24 एचपी का मिल जाता है। फ्रंट टायर 180/85 का मिल जाता है। रियर टायर 8/3/20 या फिर 9/5/20 का ऑप्शनल मिल जाता है। ट्रैक विड्थ इसका 28 से 36 इंच का इसमें भी मिल जाता है, साथ में 6 साल की वारंटी। और प्राइस की बात करें तो 5,35,000 से 5,70,000 के आसपास ये मिल जाता है। जो लोग ऑर्चर्ड फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये ट्रैक्टर काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट आता है 25 एचपी श्रेणी में एक और मिनी ट्रैक्टर, जो कि ये टू व्हील ड्राइव में आता है, स्वराज 724 ऑर्चर्ड। इसमें आपको 2 सिलेंडर का 1824 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 95.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको गियरबॉक्स 6 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर 21 एचपी का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसमें 5/15 का और रियर टायर 11/2/24 का मिल जाता है। इसका ट्रैक विड्थ 45 से 58 इंच का मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। प्राइस इसका 5,10,000 से 5,55,000 के आसपास ये मिल जाता है। 25 से 30 एचपी श्रेणी में एक और मिनी ट्रैक्टर आता है, जो कि नैरो ट्रैक सीरीज में, स्वराज 724 ऑर्चर्ड एनटी। एनटी मतलब नैरो ट्रैक। ये 2 सिलेंडर का इंजन इसमें आता है, 1824 सीसी का मिल जाता है। इसमें 95.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये भी प्रोड्यूस कर देता है। गियरबॉक्स इसमें 6 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर 21 एचपी का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसका 5/15 का है और रियर टायर 9/5/24 के मिल जाते हैं। ट्रैक विड्थ इसका 32 से 50 इंच का मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 4,90,000 से 5,40,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 25 एचपी श्रेणी में एक फोर व्हील ड्राइव मिनी ट्रैक्टर, स्वराज 724 एफई फोर व्हील ड्राइव। यह आता है 2 सिलेंडर 1824 सीसी इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 99 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स का कॉन्स्टेंट मेश टाइप का गियरबॉक्स मिल जाता है। पीटीओ पावर ये 21.3 एचपी का प्रोड्यूस कर देता है। फ्रंट टायर इसमें 6/14 का और रियर टायर 8/3/24 का मिल जाता है। ट्रैक विड्थ इसका 34 इंच का मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 5,30,000 से 6,00,000 के अप्रॉक्स ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 25 एचपी कैटेगरी में एक बड़ा ट्रैक्टर,
स्वराज 724 XM, ये आता है दो सिलेंडर 1824 cc इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर इसका 21.3 HP का मिल जाता है। इसमें फ्रंट टायर 616 का मिल जाता है और रियर टायर 12/4/28 का मिल जाता है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 5,10,000 से 5,70,000 के आसपास ये मिल जाता है। 25 HP कैटेगरी में एक और ट्रैक्टर आता है, स्वराज 825 XM। ये ट्रैक्टर आता है वन सिलेंडर इंजन के साथ, जिसमें 1537 cc का इंजन मिल जाता है। 98.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर ये 20 HP जनरेट कर देता है। फ्रंट टायर इसमें 616 का और रियर टायर 12/4/28 का मिल जाता है। कीमत की बात करें तो ये 5,00,000 से 5,60,000 के आसपास मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 35 HP कैटेगरी में एक और ट्रैक्टर, स्वराज का 834 XM। इसमें आता है तीन सिलेंडर का 2592 cc का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 141.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर इसमें 29 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसका 616 का आता है और रियर टायर 12/4/28 या फिर 13/6/28 का भी ऑप्शनल मिल जाता है। कीमत की बात करें तो ये 5,60,000 से लेकर के 5,90,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट 35 HP कैटेगरी में एक और ट्रैक्टर आता है, स्वराज का 733 FE। इसमें भी आपको तीन सिलेंडर का 2592 cc का इंजन मिल जाता है। 141.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये भी प्रोड्यूस कर देता है। गियरबॉक्स इसमें भी 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर 29 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर 616 का इसमें मिल जाता है। रियर टायर भी 12/4/28 का, ऑप्शनल में 13/6/28 का भी ले सकते हैं। कीमत की बात करें तो 5,70,000 से 6,10,000 के आसपास ये भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 39 HP कैटेगरी में स्वराज 735 FEE। ये आता है तीन सिलेंडर 2734 cc इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 163.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें गियरबॉक्स 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर ये 32.3 HP का प्रोड्यूस कर देता है। फ्रंट टायर इसका 616 का है और रियर टायर 13/6/28 का मिल जाता है। कीमत की बात करें तो 6,00,000 से 6,40,000 के आसपास ये मिल जाता है। 39 HP कैटेगरी में एक और ट्रैक्टर आता है, स्वराज 735 FE। इसमें भी आपको तीन सिलेंडर का 2734 cc का इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स मिल जाता है। पीटीओ पावर इसमें 35 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसका 616 का है, रियर टायर इसमें 13/6/28 का है। कीमत की बात करें तो ये ट्रैक्टर 6,20,000 से 6,60,000 के आसपास मिल जाता है। नेक्स्ट 40 HP कैटेगरी में स्वराज 735 XT आता है। इसमें आपको तीन सिलेंडर 3307 cc का इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 168 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको इंजन में फ़र्क मिल जाता है, जो पहले 2734 cc का इंजन आता था, लेकिन कंपनी ने अब इंजन बदल के 3307 cc का इंजन दे दिया है। गियरबॉक्स की बात करें तो 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स इसमें मिल जाता है। पीटीओ पावर ये 35 HP प्रोड्यूस कर देता है। फ्रंट टायर इसका 616 का है, रियर टायर 13/6/28 का मिल जाता है। कीमत की बात करें तो 6,30,000 से 6,70,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 42 HP कैटेगरी में स्वराज 841 XM। यह आता है चार सिलेंडर इंजन के साथ, 2730 cc इंजन इसमें मिल जाता है, जो कि महिंद्रा का इंजन है। यह ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है 165.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। पीटीओ पावर इसका 37.5 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसमें 616 का, रियर टायर 13/6/28 का मिल जाता है। कीमत की बात करें तो 6,50,000 से 6,90,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है स्वराज 843 XM। ये ट्रैक्टर 45 HP कैटेगरी में आता है। इसमें आपको चार सिलेंडर 2730 cc का इंजन मिल जाता है। टॉर्क की बात करें तो 177 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स मिल जाता है। पीटीओ पावर ये 38.4 HP का निकाल देता है। फ्रंट टायर इसमें 616 का, रियर टायर 13/6/28 का मिल जाता है। कीमत की बात करें तो 6,70,000 से 7,10,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 45 HP कैटेगरी में एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, पडलिंग स्पेशल वाला, स्वराज 843 XM फोर व्हील ड्राइव। इसमें आपको तीन सिलेंडर 3307 cc का इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स मिल जाता है। पीटीओ पावर ये 38 HP का प्रोड्यूस कर देता है। फ्रंट टायर इसका 8320 का और रियर टायर 13/6/28 का मिल जाता है। वारंटी इसमें 6 साल की वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 7,80,000 से 8,50,000 के आसपास ये मिल जाता है।
नेक्स्ट आता है स्वराज 742 XT, ये भी 45 HP कैटेगरी में आता है। 3 सिलेंडर 3307 cc का इंजन इसमें भी मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करता है 187.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का मिल जाता है। PTO पावर 40 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसमें 616 का मिल जाता है और रियर टायर 1428 का मिल जाता है। वारंटी इसमें 6 साल की मिल जाती है। कीमत की बात करें तो 680,000 से 720,000 के अप्रॉक्स ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 48 से 50 HP कैटेगरी में स्वराज 744 FE न्यू मॉडल वाला। इसमें आपको 3 सिलेंडर 3307 cc इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 187.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको गियरबॉक्स 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स या फिर 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स दोनों का ऑप्शनल मिल जाता है और दोनों साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो सेंटर शिफ्ट वाला भी ले सकते हैं। इसमें आपको PTO पावर 40 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर 750/16 का, रियर टायर 1428 का मिल जाता है। वारंटी इसमें 6 साल की मिल जाती है और कीमत की बात करें तो 750,000 से 810,000 के आसपास ये मिल जाता है। यही सेम स्वराज 744 FE फोर व्हील ड्राइव में भी आता है। इंजन, गियरबॉक्स, PTO, हाइड्रोलिक सब कुछ सेम वही मिल जाता है। बस फ्रंट टायर इसमें 818 का या फिर ऑप्शनल में 9520 का ले सकते हैं। और कीमत की बात करें तो ये ट्रैक्टर 940,000 से लेकर के अप्रॉक्स 1,000,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 50-52 HP कैटेगरी का स्वराज 744 XT। इसमें आपको 3 सिलेंडर 3478 cc का इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 208.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का या फिर ऑप्शनल में आप चाहें तो 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का गियरबॉक्स ले सकते हैं। PTO पावर इसमें 45 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर 750/16 का और रियर टायर 1428 का इसमें मिल जाता है। 6 साल की वारंटी साथ में। कीमत की बात करें तो 800,000 से लेकर के 875,000 के आसपास ये मिल जाता है। यही सेम मॉडल स्वराज 744 XT आप फोर व्हील ड्राइव में भी ले सकते हैं। इंजन, गियरबॉक्स, PTO, हाइड्रोलिक सब कुछ सेम मिलेगा। बस टायर में फ़र्क है जो कि फ्रंट टायर इसमें 9520 का मिल जाता है और कीमत की बात करें तो ये 960,000 से लेकर के 1,020,000 के अप्रॉक्स ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 55 HP कैटेगरी में स्वराज 855 FE। इसमें आपको 3 सिलेंडर 3478 cc का इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का या फिर 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स मिल जाते हैं। PTO पावर इसका 45 HP का है। फ्रंट टायर इसमें 750/16 का मिल जाता है और रियर टायर 1428 का या फिर ऑप्शनल में आप चाहें तो 1628 का भी ले सकते हैं। वारंटी इसमें 6 साल की मिल जाती है और कीमत की बात करें तो 830,000 से लेकर के 890,000 के आसपास ये मिल जाता है। यही सेम मॉडल स्वराज 855 FE फोर व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है जिसमें इंजन, गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक्स, PTO सब कुछ सेम मिलेगा। बस फर्क है तो फ्रंट टायर में, जो कि फ्रंट टायर 9520 का या फिर 9524 का ऑप्शनल में मिल जाएगा। कीमत की बात करें तो ये ट्रैक्टर 985,000 से लेकर के 1,050,000 के आसपास ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है CRDI इंजन के साथ स्वराज 963 FE। ये आता है 65 HP कैटेगरी में। इंजन इसमें आपको 3 सिलेंडर 3820 cc का मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें आपको 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का मिल जाता है। PTO पावर इसमें 51.6 HP का मिल जाता है। फ्रंट टायर इसमें 750/16 का और रियर टायर 1628 के मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 6 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। कीमत की बात करें तो 950,000 से 1,020,000 के आसपास ये मिल जाता है। और यही सेम मॉडल स्वराज 963 FE फोर व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। बस फ्रंट टायर में चेंज है जो कि 9524 का मिल जाता है और कीमत की बात करें तो 1,150,000 से 1,230,000 के अप्रॉक्स ये मिल जाता है। बाकी इंजन, गियरबॉक्स सब कुछ सेम है। CRDI इंजन के साथ एक और ट्रैक्टर आता है स्वराज 969 FE, जो कि 70 HP कैटेगरी में 3 सिलेंडर 3478 cc का इंजन इसमें मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स का मिल जाता है। PTO पावर ये 57 HP का प्रोड्यूस कर देता है। फ्रंट टायर इसमें 750/16 के और रियर टायर 1630 के मिल जाते हैं। वारंटी इसमें भी 6 साल की मिल जाती है। कीमत की बात करें तो 980,000 से 1,040,000 के अप्रॉक्स ये मिल जाता है। और यही सेम मॉडल आपको 4x4 में मिल जाता है 969 FE फोर व्हील ड्राइव में। ये भी 70 HP का इंजन है। गियरबॉक्स इसमें 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स का मिल जाता है। PTO पावर 57 HP का। फ्रंट टायर इसमें 11/2/24 का मिल जाता है और रियर टायर 1630 के। कीमत की बात करें तो 1,180,000 से 1,300,000 के आसपास ये मिल जाता है। तो यही थे स्वराज के सभी टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव।
11 एचपी से लेकर के 70 एचपी के सभी मॉडल के प्राइस के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन सभी ट्रैक्टर में से कुछ और चीज़ें जानना हो, माइलेज के बारे में जानना हो या फिर कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानना है, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप और भी ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने महिंद्रा और जॉन डियर के बना चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।